बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। चैप्टर 5 के अंदर आज हमारा टॉपिक होगा ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन। हैलोजन्स के मुतअद्दिद ऑक्साइड्स इस यूनिवर्स के अंदर पाए जाते हैं और इन ऑक्साइड्स को हम हैलोजेंस और ऑक्सीजन की डायरेक्ट कम्बिनेशन के ज़रिए से हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि हैलोजन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते। याद रहे कि ये पॉइंट अक्सर हैलोजन एसिड्स पर एप्लीकेबल होता है, तमाम पे नहीं। मतलब कुछ हैलोजन एसिड्स को हम डायरेक्ट कम्बिनेशन के ज़रिए से हासिल कर सकते हैं, मगर सबको नहीं। फिर इनको कैसे हासिल किया जाएगा? इनको इनडायरेक्ट मेथड से हासिल किया जाएगा। चंद एक जो डायरेक्ट मेथड से हासिल होते हैं और अक्सर जो इनडायरेक्ट मेथड से हासिल होते हैं, इन दोनों की केमिस्ट्री नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे। हैलोजेंस के चंद ऑक्साइड्स इस टेबल के अंदर मेंशन कर दिए गए हैं, आप इनको अपनी टेक्स्ट बुक पे भी मुलाहजा कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लोरीन का ऑक्साइड या फ्लोरीन के ऑक्साइड्स हमने अपने सिलेबस के अंदर फ्लोरीन के जिस ऑक्साइड को स्टडी करना है वो है ट्राई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड O3F2, और ये एक ऐसा हैलोजन ऑक्साइड है जिसको आप ऑक्सीजन और हैलोजन के डायरेक्ट कम्बिनेशन से हासिल कर सकते हैं, मगर इस अमल के लिए आपको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी लाजिमन प्रोवाइड करना होगा, जिसकी मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है, वैसे नहीं। क्या प्रॉपर्टीज हैं O3F2 की? ये 363 डिग्री सेंटीग्रेड पर गाढ़ा लिक्विड होता है जिसका कलर शोख सुर्ख होता है। टेम्परेचर कम करते जाएं तो 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये अपनी हालत को लिक्विड से बदल के न सिर्फ ठोस बना लेगा बल्कि इसका कलर भी थोड़ी सी चेंज के बाद सुर्खी मायल भूरा हो जाएगा। ट्राईऑक्सीजन डाईफ्लोराइड डीकम्पोज हो जाता है और आफ्टर डिकम्पोजिशन ये ऑक्सीजन और डाईऑक्सीजन डाईफ्लोराइड बनाता है। डाईऑक्सीजन डाईफ्लोराइड, आप ट्राईऑक्सीजन डाईफ्लोराइड को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में फ्लोरीन की कम्बिनेशन से भी हासिल कर सकते हैं। O2F2, इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। यहाँ बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल्स आप बेशक मेंशन ना करें, मगर इसका स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए कि दो ऑक्सीजन सेंटर में हैं, आपस के साथ लिंक्ड हैं वाया सिंगल बॉन्ड, जबकि दो फ्लोरीन्स साइड्स पर होंगे और ये अलहदा अलहदा एक एक ऑक्सीजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए से लिंक्ड होती हैं। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ऑक्सीजन के एक ही साइड पे दोनों फ्लोरीन्स को मेंशन कर दिया गया है, जो कि टेक्निकल मिस्टेक है, लेकिन FAC लेवल पर आप उस डायग्राम को भी ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक के अंदर जब तक करेक्शन न कर दी जाए वही ऑथेंटिक समझी जाती है।
ज़िमनन टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हुए हम ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। ये वी शेप स्ट्रक्चर है, बेंड स्ट्रक्चर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम आई मीन ऑक्सीजन, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल 105 डिग्री का होता है। ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के ऑक्साइड्स बिलउमूम तौर पर अनस्टेबल होते हैं और ये क्लोरीन और ऑक्सीजन की डायरेक्ट कम्बिनेशन से हासिल नहीं हो सकते। वुड को, पेपर पल्प को ब्लीच करने के लिए इनका एक्सटेंसिव यूज़ होता है और इसी तरीके से वाटर ट्रीटमेंट में भी इसका काफ़ी सारा इस्तेमाल होता है। वाटर ट्रीटमेंट भारी पानी को हल्का बनाना, पोर्टेबल बनाना, पीने के काबिल बनाना। क्लोरीन डाइऑक्साइड एक पेल येलो गैस है और आप इसको हासिल कर सकते हैं सोडियम क्लोरेट को स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन की मौजूदगी में या सोडियम क्लोराइड या सल्फर डाइऑक्साइड या मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करा के रिड्यूस करेंगे। एक रिएक्शन आपके सामने है, यह है क्लोरेट आयन, ये NaClO3 से आया, 2 मोल, 7 क्लोराइड आयन, इसके भी 2 मोल ये NaCl से आए और 7 4H पॉजिटिव किया है, ये स्ट्रांग एसिडिक सॉल्यूशन है। नतीजतन जहां 2 बाई प्रोडक्ट्स क्लोरीन और वाटर हमें मिल रहे हैं वहां हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट क्लोरीन डाइऑक्साइड भी हमें हासिल हो रहा है। एक और मेथड है पोटाशियम क्लोरेट प्लस ऑक्सैलिक एसिड प्लस H2SO4 गिव्स अस आवर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट क्लोरीन डाइऑक्साइड। यू कैन सी इट एट द एंड, वेल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड पोटाशियम सल्फेट, दीज आर द बाई प्रोडक्ट्स हियर। क्लोरीन डाइऑक्साइड को अगर हीट किया जाए तो ये धमाके के साथ, फटने के साथ क्लोरीन और ऑक्सीजन की फ्री स्टेट्स में बदल जाती है। पानी के अंदर ये गैस हल होती है और रोशनी की गैर मौजूदगी में स्टेबल होती है। आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर ये डिकम्पोज हो सकती है और आफ्टर डिकम्पोजिशन ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्लोरिक एसिड में बदलती जाती है। एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, इस टर्म से आप ऑलरेडी वाकिफ हो, Chapter 6 First Year, बतौर एंटीसेप्टिक इस्तेमाल होती है। वाटर को प्योरीफाई करने के लिए ये प्रोसेस आप चैप्टर 16 में पढ़ेंगे और सेलुलोज मटेरियल को ब्लीच करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। इसको आप चैप्टर नंबर 15 ब्लीचिंग ऑफ पेपर पल्प चैप्टर नंबर 15 के अंदर आप मुलाहजा करेंगे। क्लोरीन हेप्टोक्साइड दूसरा इंपॉर्टेंट क्लोरीन का ऑक्साइड है Cl2O7। ये दरअसल पर क्लोरिक एसिड का एनहाइड्राइड है HClO4। इस अगर वाटर निकाल लें तो
फिर Cl2O7 हमें मिलता है। परक्लोरिक एसिड के अंदर हमें कोई ना कोई डीहाइड्रेटिंग एजेंट डालना होगा, जैसा कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, और हमें प्रोडक्ट अटेन हो जाता है और ये प्रोसेस हम -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे परफॉर्म करते हैं। रिएक्शन आपके सामने है, परक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद द फास्फोरस पेंटाऑक्साइड एंड क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड प्लस HPO3 आर फॉर्म्ड। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को आप ब्रैकेट के ऊपर या नीचे भी, सॉरी एरो के ऊपर या नीचे भी लिख सकते हैं। इस केस में Cl2O7 के साथ प्रोडक्ट H2O बनता है और H2O फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके मेटाफास्फोरिक एसिड HPO3 बनाता है। इस रिएक्शन को आप ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 के अंदर डिटेल से स्टडी कर चुके हो। नाउ ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन, इसके ऑक्साइड्स डार्क वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, शोक रंग के होते हैं और बुखारात बनाने वाले लिक्विड्स होते हैं। इनकी थर्मल स्टेबिलिटी वेरी लो होती है, यानी हीट करने पे ये अपनी असल हालत को बरकरार नहीं रख सकते बल्कि टूट जाते हैं। जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट ब्रोमीन का ऑक्साइड ब्रोमीन मोनोऑक्साइड Br2O है। इसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ ब्रोमीन वेपर्स के रिएक्शंस के जरिए से हासिल किया जा सकता है। ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाई ट्रीटिंग सस्पेंशन ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड इन कार्बन टेट्राक्लोराइड विद ब्रोमीन। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कि एक सॉल्वेंट है, इसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड और ब्रोमीन के सस्पेंशन से भी हासिल किया जा सकता है। रोशनी की गैर मौजूदगी में कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर ब्रोमीन मोनोऑक्साइड -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टेबल रहती है। ये बेपनाह ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज की हामिल है। रिएक्शन आपके सामने है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO प्लस ब्रोमीन एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड गिव्स अस मर्क्यूरिक ब्रोमाइड HgBr2 एंड ब्रोमीन मोनोऑक्साइड Br2O, ये हमें मिलते हैं। HgBr2 बेशक यहाँ पे बाई प्रोडक्ट है, मगर हमें अपना रिक्वायर्ड प्रोडक्ट Br2O भी यहाँ मिल रहा है। ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन, आयोडीन पेंटाऑक्साइड I2O5 ये खासी अहमियत का हामिल है बाकी ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस की बनिस्बत। I2O4 और I2O9 ये ऐसे साल्ट हैं जो आयोडीन आयोडेट्स के नाम से भी जाने और पहचाने जाते हैं। आयोडीन पेंटाऑक्साइड I2O5 ये दरअसल आयोडीन को 240 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा की मौजूदगी में अगर हीट किया जाए
तो आयोडीन पेंटाऑक्साइड हमें हासिल होता है। हवा की मौजूदगी इसलिए है ताकि ऑक्सीजन इसके साथ मिल सके। आयोडिक एसिड 240 डिग्री सेंटीग्रेड और ये I2O5 में बदल रही है और यहाँ से वाटर रिमूव हो गया। सॉरी, मैंने गलती से ये कह दिया कि हवा की मौजूदगी में वो बिल्कुल नहीं चाहिए। दरअसल ये आयोडिक एसिड का एनहाइड्राइड है विच इज़ फाउंड बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। स्ट्रक्चर आपके गोशगुजार कर दिया गया है, आप इसको राइट साइड पे मुलाहजा कर सकते हैं। ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसके स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंज नहीं आती, ये अपनी सलामती को बरकरार रखता है। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाता है, यानी बहुत सारे I2O5 मिलकर एक बड़ा ह्यूज मॉलिक्यूल बनाते हैं। पॉलीमर्स को चैप्टर 14 के अंदर आप डिटेल से स्टडी करेंगे। नामियाती सॉल्वेंट्स के अंदर ये गैर हल होता है। पानी के साथ मिलकर आयोडिक एसिड बनाता है। जैसे हीट करने पे 240 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी आउट हो गया, अगर वही पानी डाला जाए तो ओरिजिनल रिएक्ट फिर से बहाल हो जाता है। गुज़श्ता रिएक्शन को उलट लिख दें, आयोडीन पेंटाऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स अस आयोडिक एसिड। I2O5 हाइड्रोजन सल्फाइड से या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से या कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करता है और बजाते खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है और इन मस्कूरा 3 अदद मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज कर सकता है। इट्स ऑल्सो यूज फॉर क्वान्टिटेटिव एनालिसिस ऑफ CO। रिएक्शन आपके सामने है, 5 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के अगर हों तो इनसे 1 मोल आयोडीन पेंटाऑक्साइड का रिएक्ट करता है और नतीजतन हमें 1 मोल आयोडीन का और 5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के मिलते हैं। ये शार्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ये कैसे इस्तेमाल करते हैं। 1-2 लाइनें लिखने के साथ ये इक्वेशन भी आप ज़रूर लिखेंगे और जो थ्योरी लिखेंगे साथ वो है, वो इस इक्वेशन ही के रिएक्शन को डिटेल से आप लोगों ने लिख देना है 2-3 लाइनों के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।